आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप टेली प्राइम का अपडेटेड वर्जन टेली प्राइम रिलीज 2.1 और टेली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 2.1 आपस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि टेली प्राइम एडिट लॉग और टेली प्राइम में केवल ऑडिट लॉग ऑप्शन के अलावा कोई और अंतर नहीं है। नॉर्मल टेली प्राइम 2.1 एप्लीकेशन में आप एडिट लॉग के ऑप्शन को अनेबल या फिर उसे डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन टेली प्राइम एडिट लॉग के एप्लीकेशन में आप इसे अनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते। आपको एक बात बता दूं कि टेली प्राइम ने ऑडिट लॉग को एडिट लॉग नाम दिया है, यानी उसने अपने नए अपडेटेड एप्लीकेशन का नाम टेली प्राइम एडिट लॉग रखा है, जिसमें आप अपने एक्टिविटी लॉग फीचर को एडिट लॉग ऑप्शन में जाकर चेक कर पाएंगे। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि टेली प्राइम एडिट लॉग को कैसे डाउनलोड करते हैं और टेली प्राइम का एक्टिविटी लॉग फीचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं उस कंपनी के ऊपर MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की गाइडलाइन लागू होती है या फिर नहीं, आपके लिए एडिट लॉग बनाना जरूरी है या नहीं। यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, निधि कंपनी है, कोई OPC है या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस सिचुएशन में आपको एडिट लॉग बनाना मैंडेटरी है। वो भी ऐसा एडिट लॉग होना चाहिए जिसे डिसेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से भारतीय कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त और गैर लाभकारी सहित सभी बड़ी और छोटी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल रिकॉर्ड करने के लिए एक बिल्ड इन सिस्टम है। प्रत्येक लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एडिट लॉग बनाना होगा। जिस तारीख में परिवर्तन किया गया हो उसका रिकॉर्ड एडिट लॉग में बाय डिफॉल्ट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑडिट ट्रायल को डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में आपको टेली प्राइम एडिट लॉग वाले एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करना होगा। यदि आप पुराना टेली प्राइम का 2.1 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एडिट लॉग फीचर को अनेबल या फिर उसे डिसेबल किया जा सकता है, तो ध्यान रहे इस एप्लीकेशन को आप MCA के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस एप्लीकेशन में एडिट लॉग फीचर को अनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप टेली प्राइम को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर जाकर के टाइप करना है टेली सॉल्यूशन। टेली सॉल्यूशन लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेली प्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी यहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक अ फ्री ट्रायल का। यहाँ पर क्लिक करके आप 7 दिनों के लिए टेली प्राइम का गोल्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। मैं वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं कि आप गोल्ड वर्जन को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर सकते हैं 7 दिनों के लिए। अब बेसिकली हम इसे ट्रायल वर्जन के लिए डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, हमें इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर दो टैली दिखाई देंगी। सबसे पहली टैली आपको दिखाई देगी टेली प्राइम रिलीज 2.1 और दूसरी टैली आपको दिखाई देगी टेली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 2.1। और इन दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया है कि टेली प्राइम में और टेली प्राइम एडिट लॉन्ग में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये वाला टेली प्राइम है यानी टेली प्राइम 2.1 है और इसमें आप एडिट लॉन्ग फीचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले टेली को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टेली प्राइम का सेटअप यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप के डाउनलोड होने के बाद आपको इस सेटअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस करना है। यस करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका टेली का एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा
स्टार्ट टेली प्राइम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टेली प्राइम यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन स्टार्टअप में एक्सेप्ट और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मांगेगा। तो फिलहाल अभी हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। तो बेसिकली हम इसे एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर टेली ओपन हो जाएगी। अगर आप MCA कंपनी के अंतर्गत नहीं आते हैं और आप फिर भी ये चाहते हैं कि आप टेली प्राइम के अंदर एडिट लॉग फीचर को यूज करना, तो उसको आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं या किस तरीके से उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी का, इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिक्योरिटी एड यूजर एक्सेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसे यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर मांगेगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होगा। जैसे मान लीजिए यूजर नेम में हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर एक्सेल और पासवर्ड में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लाइक 0। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड में भी हम यहाँ पर 0 डाल करके एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर xl@gmail.com। इस ईमेल आईडी का जो फायदा होगा बेसिकली वो आप यहाँ पर टेली प्राइम को एक्सेस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, और आप देखेंगे उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनेबल टेली ऑडिट फीचर का, आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। यानी यहाँ पर आप जैसे इसे यस कर देंगे तो आपकी टेली प्राइम के अंदर ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ए दबा देना है सेव करने के लिए, आपकी टेली प्राइम में ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपको फिर से उसी ऑप्शन पर जाना है और यहां से आपको सिक्योरिटी को वापस से सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ऊपर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको नो कराना होगा। नो टाइप करके जैसे आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपसे करंट एग्जिटिंग पासवर्ड मांगा जाएगा, जो पासवर्ड हमने रिसेंटली यहां पर इसे एक्टिवेट करते समय डाला था। तो यहां पर हम उसी पासवर्ड को डाल करके एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस ईमेल आईडी से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाए तो आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी रख सकते हैं। अब अगर आप यहां से ईमेल आईडी को हटाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा नन का, आपको नन वाले ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट करना है, और नन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको इसे यस कर देना है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपकी टेली से ऑडिट ट्रायल का जो फीचर होगा वो यहां से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप टेली प्राइम का 2.0 वर्जन यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर आप अपने ऑडिट ट्रायल फीचर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेली प्राइम के एडिट लॉग फीचर के बारे में। तो यहां पर हम सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए भी हम यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास फिर से वो सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और इसको भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसको भी फटाफट यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप इसे अपडेट कर सकते हैं, मोर एक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पहले से ही टेली प्राइम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मोर एक्शन पर जाएंगे। मोर एक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्टॉल न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेली प्राइम का जो एडिट लॉन्ग सेटअप था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर स्टार्ट टेली प्राइम एडिट लॉन्ग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेली प्राइम एडिट लॉन्ग एप्लीकेशन यहाँ पर आपके सामने ओपन होना शुरू हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप उसे एक्सेप्ट करते हुए ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा माइग्रेट का। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से ही टेली प्राइम इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर टेली प्राइम एडिट लॉन्ग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो डेटा मेरा टेली प्राइम के अंदर है उस डेटा को अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेली प्राइम एडिट लॉन्ग में माइग्रेट हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर माइग्रेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटा आपका इस वाले एप्लीकेशन में यहाँ पर रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसे माइग्रेट करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेट पर सीधे क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे हमने उस टैली में जो कंपनी यहाँ पर बनाई थी एक्सेल इन्फोटेक के नाम से, वो कंपनी हमारी यहाँ पर माइग्रेट हो चुकी है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है एडिट लॉन्ग के नाम से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टेली प्राइम में एडिट लॉन्ग फीचर किस तरीके से काम करता है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर बिल्कुल नई कंपनी क्रिएट की हुई है। अगर मैं डे बुक पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं की है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका यूज बताता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। तो स्कैप करके हम बाहर चले जाएंगे।
हम यहाँ से जाएंगे सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बिल नंबर जो दिया है वो 101 दे दिया और उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं XL/101 और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेट हमारी 1 अप्रैल 2023 आ गई है, तो हम फिलहाल इसको यही रखेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर पार्टी नेम में हम यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर पार्टी का कोई भी नाम हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया mohan.pvt.ltd यानी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद हम इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सिंडिक क्रेडिटर के, इसे यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से सेव कर देंगे। बेसिकली अभी मैं इसके अंदर जीएसटी का यूज आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल एक एंट्री पास कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एडिट लॉन्ग किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद पार्टी डिटेल में भी आपको यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है। या तो आप यहाँ से जाकर के क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर डायरेक्टली आप ऑल्ट सी दबा करके यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं परचेज और उसको अंडर ऑफ डाल देते हैं परचेज अकाउंट के, और उसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल ए करके इसे भी सेव कर देते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप अपने आइटम का नाम क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं J7। J7 अंडर ऑफ किसके हैं, तो अंडर ऑफ डाल देंगे हम इसे सैमसंग के। तो यहाँ पर भी आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली ऑल्ट सी दबा करके आप यहाँ पर इसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सैमसंग। सैमसंग लिखने के बाद इसे भी आप एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपसे यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट के लिए भी आप यहाँ पे ऑल्ट सी कर सकते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर हम इसका यूनिट दे देते हैं पीसीस और यहाँ पर फॉर्मल नेम में आप इसका फुल फॉर्म डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर चाहें तो पीसीस को सेलेक्ट कर सकते हैं। पीसीस को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला 10 पीसीस। इसके बाद इसका जो रेट है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं 15,000 रुपये पर पीस का। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट हो जाएगा और उसके बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर अगर आप ईवे बिल को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज हम इसे नो रखते हुए अपनी एंट्री को यहाँ पर सेव कर देंगे न्यू रेफरेंस रखते हुए। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम एक पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F5। F5 प्रेस करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं कैश के थ्रू। हमने स्पेस दबाया और स्पेस लेने के बाद हमने यहाँ पर कैश ले लिया। कैश लेने के बाद यहाँ पर स्पेस दबा के आप पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने मोहन प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोहन को जो हमें देना है वो देना है 1.5 लाख रुपए। तो मान लीजिए हमने मोहन को अभी फिलहाल 1 लाख रुपए की पेमेंट की है, तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। 1 लाख रुपए लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हम किस बिल के अगेंस्ट इसको पैसा दे रहे हैं वो बिल पेंडिंग आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे एंटर करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर रेड में दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कैश नहीं था और फिर भी हम यहाँ पर पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर करंट बैलेंस 50,000 रुपए दिखा रहा है, क्योंकि मोहन प्राइवेट लिमिटेड को अभी मुझे 50,000 रुपए और देना है। उससे जो हमने गुड्स खरीदा था वो बेसिकली 1.5 लाख रुपए का था और अभी हमने जो उसको पेमेंट की है वो केवल 1 लाख रुपए की पेमेंट की है। तो हम इस एंट्री को भी यहाँ पर पास कर देते हैं। एंट्री को पास करने के बाद हम स्कैप करके बाहर जाते हैं और यहाँ से मैं आपको डेबुक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी डेबुक यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट और ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाएगी। तो आप देखेंगे हमने मोहन से 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा है और 1 लाख रुपए हमने इसकी पेमेंट की है। अब बेसिकली एडिट लॉग फीचर तब यूज होता है जब हम इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डेबुक के अंदर जा करके परचेज वाली एंट्री पर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी जो डेट थी वो यहाँ पर चेंज कर दी। मान लीजिए 1 अप्रैल थी, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 अप्रैल कर लेते हैं। 2 अप्रैल करने के बाद यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर हम वही रहने देंगे, यहाँ पर भी हम डेट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर भी हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर भी एंटर करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम परचेज के लेजर को बिल्कुल यही रहने देंगे और यहाँ पर हम आइटम की क्वांटिटी में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर दिखाया कि हमने 10 पीस यहाँ पर परचेस किया है, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर सिर्फ 5 पीस परचेस किया है। 5 पीस को परचेस करने के बाद इसका जो रेट था हमने यहाँ पर डाला है 15,000 रुपए और यहाँ पर हम इसका रेट डाल देते हैं 18,000 रुपए। और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, 90,000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इस एंट्री को हम यहाँ पर सेव कर देंगे और यहाँ पर आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए इसको यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर देना है।
ये एंट्री हमारी सेव हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे हमारी एक और ट्रांजेक्शन है यहाँ पर पेमेंट की, इस पेमेंट वाले पर हम जाएंगे और पेमेंट में हमने बेसिकली यहाँ पर 1,00,000 रुपए की पेमेंट की थी, तो यहाँ पर हम 1,00,000 के बजाय यहाँ पर अमाउंट को कम कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो अमाउंट था वो यहाँ पर 50,000 दिखा देंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 50,000 रुपए। 50,000 लिखने के बाद हम इसे यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए इस एंट्री को यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस एंट्री को यहाँ से डिलीट करना, तो मान लीजिए मैंने इसको स्पेस दबाया और यहाँ से ऑल डी प्रेस करके इस एंट्री को ही यहाँ से डिलीट कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक परचेज की एंट्री पास की और उसके बाद एक पेमेंट की एंट्री पास की और उसके बाद हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग कर दी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसमें क्या क्या एडिटिंग की है, तो इसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है एडिट लॉग फीचर। तो आप देखेंगे और आपके राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेसिस ऑफ वैल्यू का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे कि आपको डेबुक के अंदर आने के बाद ही बेसिस ऑफ वैल्यू पर क्लिक करना है। बेसिस ऑफ वैल्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा और इस पर आपको शो रिपोर्ट 4 पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ वाउचर, यानी आप किस चीज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ऑल वाउचर्स की, जिसमें अल्टर एंड नॉन अल्टर हो, यानी कि जिसमें आपने चेंजेस की हो या चेंजेस ना की हो, आप सब कुछ देखना चाहते हैं। और या फिर आप केवल देखना चाहते हैं अल्टर वाउचर को, जिसमें आपने केवल चेंजेस की है आप उसे देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, इंक्लूड डिलीट वाउचर, यानी अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो वाउचर यहाँ पर डिलीट किया गया है वो भी आपको रिप्रेजेंट हो, तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर यस रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट वाउचर यहाँ पर रिप्रेजेंट ना हो तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर नो रखेंगे। हम इसको यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री को डिलीट भी किया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। Ctrl+A जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर डिलीटेड वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आप देखेंगे हमने जो परचेज की एंट्री पास की थी वो एंट्री यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी जो हमारी डेट सिलेक्ट है वो यहाँ पर 1 अप्रैल है। तो आपको अपने कीबोर्ड से F2 दबाना है। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेस दबा देना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की होंगी वो सभी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को हमने एंट्री को डिलीट किया है और 2 अप्रैल 2023 में हमने इस कंपनी के अंदर कोई चेंजेस की है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिलीट वाउचर को। डिलीट वाउचर पर जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपने कितनी एक्टिविटी की है, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी थी आपकी क्रिएट की। आपने सबसे पहले इसे क्रिएट किया है 23 अप्रैल 2023 को 16:09 पे और इसके बाद आपने इसको अल्टर किया, यानी इसमें चेंजेस की 23 अप्रैल 2023 को 16:12 पे और उसके बाद इसको डिलीट कर दिया आपने 23 अप्रैल 2023 को 16:12 पे। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि जब आपने इस एंट्री को क्रिएट किया था तो उसमें क्या ट्रांजेक्शन थी। आप यहाँ पर क्रिएटेड वाले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन इसमें की थी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपए की पेमेंट यहाँ पर मोहन को की थी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अल्टर, उसके बाद हमने इसमें अल्टर किया। आप अल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि हमने जो 1,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन की थी, यानी 1,00,000 रुपए की जो पेमेंट की थी, उसको एडिट करके यानी उसको अल्टर करके हमने यहाँ पर 50,000 रुपए कर दिया था। तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके वाउचर की जितनी भी डिटेल आपकी होगी वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए और यहाँ पर डिलीट को सिलेक्ट करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो डिलीट किया था इस वाउचर को तो उस समय इसमें क्या डिटेल थी। तो देख सकते हैं कि जब हमने इस एंट्री को डिलीट किया था तो उसमें जो अमाउंट की ट्रांजेक्शन थी वो 50,000 रुपए की थी, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिलीट वाउचर की सभी हिस्ट्री को यहाँ पर चेक कर सकते हैं एडिट लॉग की मदद से। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अल्टर वाउचर का, कि जैसे मान लीजिए हमने परचेज की जो एंट्री पास की थी उसमें हमने जो एडिटिंग की थी वो हमें कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए आपको परचेज वाले वाउचर पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिलेटेड रिपोर्ट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट लॉग का, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर Alt+Q भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो एक्टिविटी की है। सबसे पहली एक्टिविटी आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट की, तो हमने जब इस एंट्री को क्रिएट किया था तो उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 23 अप्रैल 2023 को 16:07 पर हमने इस वाउचर को क्रिएट किया था। इस पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देगी। जितनी भी डिटेल हमारे इस वाउचर में होगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी,
कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर आइटम परचेज किया था, इसके बाद स्कैप करके बाहर आई है, उसके बाद हमने इसमें अल्टर क्या किया यानी हमने इसमें चेंजेस क्या की थी, तो वो आप यहाँ पर अल्टर को सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डेट चेंज की थी यानी 1 अप्रैल 2023 की जगह पे हमने इसे 2 अप्रैल 2023 कर दिया था। तो सबसे पहले डेट चेंजेस ही हमें दिखा रहा है और जो भी चेंजेस हमने कर रखी है उसको रेड कलर से ये आपको हाईलाइट करके रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था वो आइटम का 15,000 पर पीसेस था और उसके बाद उसको हमने बढ़ा करके यहाँ पर 18,000 रुपए पर पीसेस यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अमाउंट जो था हमारा वो 1.5 लाख रुपए का था और यहाँ पर हमने उसमें अल्टर करके उसका जो टोटल अमाउंट था हमारा वो 90,000 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी जो थी वो हमारी यहाँ पर 10 पीस की थी जिसको हमने यहाँ पर चेंज करके 5 पीसेस कर दिया। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे बिल्ड क्वांटिटी यानी जब हमने बिल बनाया था तो भी इसका जो क्वांटिटी था वो 10 पीस का था और यहाँ पर बिल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे हमने अल्टर करके 5 पीस यहाँ पे कर दिया था। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लोकेशन से लेकर के आपने इसमें जितनी भी चेंजेस की है वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से आप टेली प्राइम के एडिट लॉग फीचर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फीचर को आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको ये बात पता चल गई होगी कि टेली प्राइम का जो एडिट लॉग फीचर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप अपनी टेली प्राइम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी अल्टरिंग करते हैं या कोई भी चेंजेस करते हैं या किसी भी एंट्री को आप डिलीट करते हैं तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका टेली प्राइम एडिट लॉग के अंदर सेव रहता है और जिसे आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते और ना ही इस रिकॉर्ड को यहाँ से हटा सकते हैं। अक्सर काफ़ी लोग अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर छेड़खानी करके अपने टैक्स को आगे या पीछे करते थे तो वो चीज़ आप इसमें नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी की अगर 1 करोड़ की सेल हुई है तो बेसिकली वो क्या करते थे अपनी 1 करोड़ की सेल में से 50 लाख की सेल को वो अगले महीने दिखा देते थे और 50 लाख की सेल वो इस महीने दिखा देते थे। तो यानी कि वो सेम मंथ में उनकी जितनी भी सेल हुई है वो अपनी सेल को आगे की तरफ शिफ्ट कर देते थे डेट चेंज करके। तो अगर आप अपनी सेल के अंदर या अपनी किसी भी वाउचर के अंदर किसी तरह की कोई भी एडिटिंग करते हैं तो एडिट लॉग की मदद से कंपनी से ये बात पूछी जा सकती है कि आपने इस एंट्री के अंदर एडिटिंग क्यों की है। अगर आप एडिटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपके पास उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप इसमें एडिटिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई एंट्री गलत पास हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, लेकिन आपके पास उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि भाई आपने वो एंट्री क्यों चेंज की है। तो बेसिकली इस फीचर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इससे टैक्स की जो चोरियां होती हैं तो इसमें काफी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टेली प्राइम के एडिट लॉग फीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। इसी तरह से हम टेली प्राइम के और भी फीचर्स के बारे में वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।